जो मुद्दत से होता आया है उसे प्रिंट और रिपीट कर दूंगा, जो मुद्दत से होता आया है उसे प्रिंट और रिपीट कर दूंगा, और जो तू ना मिली मुझे मेरी जिंदगी पे तो कंट्रोल एल्ट और डिलीट कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु, एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से और बेहतरीन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हुए जाएगी कंप्यूटर के मल्टीपल टॉपिक्स को। जैसा कि हम सभी को पता है कंप्यूटर का क्या वेटेज आने वाला है आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में, तो ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की डिमांड की वजह से भी आई हुई है। पिछले 1 महीने से आप लोगों ने बहुत सारी जगह पर रिक्वेस्ट करी हुई थी, जिसकी वजह से मैं ये क्लास आज आपको दे रहा हूं। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि इस क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं, इस क्लास में मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करूंगा, कंप्यूटर के मल्टीपल टॉपिक्स से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा। साथ में आपको ये बताता चलूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, नेटवर्किंग से इम्पोर्टेंट क्या है उसको डिस्कस करेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से, स्टोरेज डिवाइसेस से, प्रोसेसिंग डिवाइस से। साथ में मैं आपको कुछ एब्रीवेशन भी समझाऊंगा इस क्लास में। एब्रीवेशन जब आप गूगल पे देखने जाते हो तो वहां पर आपको कम से कम 1000 एब्रीवेशन दिखाई पड़ते हैं, 700 से 800 एब्रीवेशन तो आज की डेट में मुझे खुद याद है कंप्यूटर के। लेकिन क्या उतने पढ़ने जरूरी हैं? नहीं, केवल 50 के आसपास अगर आपको एब्रीवेशन मतलब फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और उससे पहले हमारे ऐसे स्टूडेंट जो कि पेड स्टूडेंट हैं एग्जाम इंजन पे, आप सभी को मैंने कल की भी क्लास में बता दिया था कि 23 से लेकर 27 तारीख तक मैं शहर में अवेलेबल नहीं हूं। इस वजह से अब कल से मतलब 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मेरी कोई भी क्लास आपको नहीं मिलेगी। मेरी आपसे अब आज के बाद मुलाकात होगी सीधे 28 तारीख को। विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक चीज से। कंप्यूटर में जहां से आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दरअसल अगर बात करी जाए तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम लोग आई पॉस चार्ट। क्या बोलते हैं? आई पॉस चार्ट। यहां पर आई का मतलब है इनपुट, पी का मतलब है प्रोसेस, ओ का मतलब है आउटपुट और एस का मतलब है स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर में हमें यहां 4 तरीके की डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और स्टोरेज डिवाइस। हमें इनको पहचानना आना चाहिए, अगर हम इनको पहचानते हैं तो हम आंसर कर पाएंगे। डायरेक्टली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली जो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा, 4 डिवाइसेस के आपको नाम दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी एक ऑड है मतलब भिन्न है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सी एक स्टोरेज है या कौन सी एक इनपुट नहीं है, ऐसे करके पूछा जाएगा। अल्टीमेटली आगे बढ़ने से पहले आप सिर्फ एक रूल ध्यान रखो कंप्यूटर में, जो कि यूनिवर्सल रूल है कंप्यूटर या किसी भी मशीनरी का, कभी नहीं बदलता है, एक बार यह बन गया है वैसा का वैसा ही हमेशा रहेगा। हमें यह समझना होगा कि इनपुट और इनपुट के बाद प्रोसेस आता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट आता है, इतना हमें बस समझने की देर है। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसी डिवाइसेस जिससे आप प्रोसेसर को कमांड देते हो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। मैंने क्या बोला फिर से समझना, ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से आप प्रोसेसर को कमांड देते हो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि भाई आप हमारा ये काम करो। प्रोसेसर वो डिवाइस है जो कि आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने का काम करती है या एग्जीक्यूट करती है, और उसके बाद उसका रिजल्ट आपको कहां पर दिखेगा, तो ऐसी डिवाइसेस जो कि उसका रिजल्ट आपको दिखाती है वो सारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ये यूनिवर्सल रूल इसलिए है कि ये हमेशा इनपुट से प्रोसेस और प्रोसेस से आउटपुट चलेगा, ये कभी भी रिवर्स नहीं चल सकता। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि पहले आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसिंग डिवाइस पे आओ और फिर प्रोसेसिंग डिवाइस से इनपुट डिवाइस पे आओ, नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वन वे ही चलता है हमेशा, आप किसी भी तरीके से देख लो। इस चार्ट में इनपुट डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस आप जानते होंगे और बहुत सारी नहीं जानते होंगे, वन बाय वन इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है माउस। अब देखिए माउस को इनपुट डिवाइस बोला क्यों जाता है, दरअसल हम सभी को पता है माउस का काम क्या होता है, आप माउस की मदद से क्या करते हो, क्लिक करते हो ना, मतलब एक तरीके से आप प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, तो इस वजह से माउस इनपुट डिवाइस है। दूसरी है कीबोर्ड, कीबोर्ड से भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो कीज की मदद से, तो ये भी इनपुट डिवाइस है।
अगला है ओसीआर। ओसीआर का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। जब आप लोगों ने ऑफलाइन एग्जाम को दिया होगा तो वहां पर देखा होगा ऊपर आप रोल नंबर भरते थे, तो वो जो रोल नंबर बॉक्सेस में भरा हुआ है वो किससे रीड किया जाता है, तो वही वो डिवाइस है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि कैरेक्टर्स या डिजिट को रीड करने के काम में आती है। नेक्स्ट है बीसीआर। बीसीआर का मतलब क्या है? आप लोगों ने मॉल में एक डिवाइस देखी होगी जो कि बारकोड रीड करने का काम करती है। हर एक प्रोडक्ट के पीछे आप देखोगे बारकोड लिखा होता है। बारकोड मतलब कुछ लाइन होती है, कोई पतली लाइन कोई गाढ़ी लाइन, ऐसे आपको दिखाई देती है। उस बारकोड के अंदर उस प्रोडक्ट की सारी नॉलेज होती है इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और उसी को रीड करने का काम वो मशीन करती है, बारकोड रीडर, उसको बीसीआर बोलते हैं। नेक्स्ट है ओएमआर। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आप गोले भरते हो ना ऑफलाइन एग्जाम में, जो आपको शीट मिलती है ओएमआर शीट ही तो वो कहलाती है, तो दरअसल उसको उन गोलों को रीड करने का काम ओएमआर मशीन ही करती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमआईसीआर सबसे ज्यादा बार इसी के बारे में पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कई बार, और इसके बारे में यह भी पूछ देता है कि एक कौन सी डिवाइस है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, रीडर नहीं। अब नाम से ही आपको समझ आ रहा है ये एक ऐसी मशीन है जो कि इंक को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। कहां पर? बैंकों में। आपने चेक देखा होगा, चेक के नीचे चेक का नंबर लिखा रहता है। कभी भी आप उसे हाथ से टच करके देखोगे तो आपको पता लगेगा वो स्याही थोड़ी सी उभरी हुई होती है, तो वो स्पेशल तरीके की इंक होती है और उसको रिकॉग्नाइज करने का काम एमआईसीआर करता है। एमआईसीआर से ही ये पता लगता है कि चेक ओरिजिनल है या फिर जाली चेक है, तो इसी वजह से रिकॉग्निशन यहां पर होता है ना कि रीडर होता है। अगला है स्टाइलस। स्टाइलस ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में जो आपको ये पेन दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल पेन नहीं है, इंक वाला पेन नहीं है, ये दरअसल डिजिटल पेन है। वैसे डिजिटल पेन दूसरे होते थे जो कि पुराने टाइम पे आते थे, अब डिजिटल पेन बंद हो गए और उनकी जगह पर क्या चलते हैं? स्टाइलस चलते हैं, जिससे आप डिजिटली राइट कर सकते हो। अगला है स्कैनर। आप लोगों ने देखा होगा स्कैनर का यूज आप फोटोज को स्कैन करने के लिए, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए करते हो ना, और उसके बाद उसका आउटपुट कहां दिखाई देता है? मॉनिटर में आउटपुट दिखाई देता है। तो स्कैनर क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ जो कि प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपकी फोटो को ऐसे करके स्कैन करो या आपके डॉक्यूमेंट को कितना स्कैन करो। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपने गाड़ी का लीवर देखा है, गाड़ी का गियर शिफ्टर आपने देखा है ना, गियर लीवर, उसी तरीके की एक डिवाइस होती है जॉयस्टिक, जो कि वीडियो गेम खेलने के पर्पज से यूज करी जाती है। नेक्स्ट है वेबकैम। आप सभी लोग जानते हो, अब वेबकैम सवाल उठता है कि इनपुट डिवाइस में कंसीडर क्यों किया जाता है। देखिए वेबकैम क्या कर रहा है? आपकी पिक्चर को कैप्चर कर रहा है, ठीक है, और कहां पर भेज रहा है? प्रोसेसर में भेज रहा है। तो आपकी पिक्चर को कैप्चर किया और प्रोसेसर में भेजा, इसका मतलब कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। वेबकैम ऐसी तो डिवाइस नहीं है जो कि आपकी पिक्चर दिखा रही हो, पिक्चर तो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी ना मॉनिटर में, तो वेबकैम इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है लाइट पेन। मैंने आपको बताया आज की डेट में चलते नहीं है, स्टाइलिस की ही तरह पहले हुआ करते थे। अगली है ट्रैक बॉल। आप में से कई लोग ट्रैक बॉल के बारे में जानते होंगे या हो सकता है कई लोग नहीं भी जानते हो। जो पुराने लोग हैं आज से 10 साल 15 साल पहले जिन लोगों ने आप में से कंप्यूटर यूज किया है वो जानते होंगे, पहले जो माउस आते थे उनके नीचे एक छोटी सी गेंद लगी होती थी, बॉल लगी होती थी, उसी को ट्रैक बॉल बोलते थे, और वो बॉल के ऊपर पूरा माउस टिका होता था। आप माउस को जैसे जैसे रोटेट करते थे वैसे वैसे कर्सर स्क्रीन पर रोटेट होता था, तो वो जो ट्रैक बॉल है वो भी क्या कर रही है? इंस्ट्रक्शन देने का काम कर रही है ना, इस वजह से ट्रैक बॉल को इनपुट डिवाइस में ही कंसीडर करते हैं। अगला है टच पैड। टच पैड के बारे में बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सर टच पैड कैसे है आउटपुट या इनपुट डिवाइस, ठीक है। ध्यान रखिए टच स्क्रीन एक अलग चीज है और टच पैड एक अलग चीज है, हालांकि दोनों ही इनपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन वो है जैसे कि मेरे सामने ये क्या है, ये टच स्क्रीन है देखिए, ठीक है। लेकिन टच पैड क्या है? टच पैड जो आपके लैपटॉप में होता है ना, जिसको आप माउस बोलते हो लैपटॉप का इनबिल्ट, दरअसल वो माउस नहीं होता है, वो टच पैड होता है जिस पर आप इस तरीके से उंगलियां फिराते हो और आप देखोगे आपका कर्सर स्क्रीन पर मूव कर रहा है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक भी क्या करता है? आप एग्जाम हॉल में जाते हो आप देखते हो ना कि आपके थंब इंप्रेशन लेने का काम कर रहा है, तो ऐसी मशीन जो कि आपके थंब इंप्रेशन को क्या कर रही है? कैप्चर कर रही है और प्रोसेसर को भेज रही है, तो इस वजह से ये भी क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ।
अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस क्यों है? जैसे कि ये देखिए, ये मेरे कॉलर में लगा हुआ क्या है, ये माइक्रोफोन है। मैं जो भी आवाज दे रहा हूं, ये क्या कर रहा है, उसे इंस्ट्रक्शन की तरह ले रहा है, कैप्चर कर रहा है, और उसके बाद ये दूसरे बॉक्स में जा रही है, प्रोसेस होकर आपके डिवाइसेस तक पहुंच पा रही है। तो आपके डिवाइसेस में ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कि आपको मेरी आवाज सुनाने का काम कर रही है? स्पीकर। तो स्पीकर क्या हुए, स्पीकर डायरेक्ट आपको आउटपुट दे रहे हैं ना, तो वो आउटपुट डिवाइसेस। आप देख लीजिए, स्पीकर यहां पर है आउटपुट डिवाइस में। लेकिन मेरे पास जो डिवाइस है, ये कैसी डिवाइस है, ये माइक्रोफोन है, इनपुट डिवाइस। अगली है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपके सामने है। अच्छा, एक चीज और, कंफ्यूजन ये रहता है कि टच स्क्रीन को सर हम आउटपुट डिवाइस में कंसीडर क्यों नहीं करते, क्योंकि ये तो स्क्रीन है, ये हमें आउटपुट भी तो दिखा रही है, लेकिन फिर भी हम टच स्क्रीन को इनपुट में ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखिए, टच स्क्रीन का बेसिक पर्पस क्या है। इसका बेसिक पर्पस है इंस्ट्रक्शन देना। पहले नॉर्मल स्क्रीन हुआ करते थे, जिनका काम होता था क्या, आपको आउटपुट दिखाना। लेकिन अब टच स्क्रीन का काम यह है, आपको आउटपुट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, साथ में उससे पहले इसका मेन काम क्या है, इंस्ट्रक्शन लेना। अरे भाई, टच करोगे तभी तो इंस्ट्रक्शन दोगे ना, इस वजह से इसको कंसीडर किया जाता है। मैंने इसीलिए आपको थंब रूल ये बता दिया है, जो इसको दिमाग में रखेगा ना, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा आईपॉस चार्ट में। अगला है क्यूआर कोड। जैसे बार कोड होता है, वैसे ही क्यूआर कोड होता है, क्विक रिस्पॉन्स कोड इसका फुल फॉर्म नाम होता है। आज की डेट में आपने देखा होगा, आपके व्हाट्सएप में भी इसका यूज किया जाता है, गूगल पे या कोई भी आप यूपीआई पेमेंट करते हो, वहां पर हमेशा आपको क्यूआर कोड के ही थ्रू प्रोसेस करना होता है। तो ये भी आपका क्या है, इनपुट है। अब आ जाते हैं प्रोसेसर में। देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस आपकी सारी जितने भी मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई डिवाइसेज हैं, बेसिक डिवाइसेज, जैसे कि मदरबोर्ड आपका प्रोसेस में ही कंसीडर किया जाता है, और प्रोसेसर भी आपका प्रोसेस में ही कंसीडर किया जाता है। अब आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेज में। मैंने आपको बताया ऐसी डिवाइसेज जो कि आपको आउटपुट रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि आपको शो करा रही है आउटपुट, वो सारी आउटपुट है, चाहे वो किसी फॉर्म में हो, ऑडियो की फॉर्म में हो, चाहे वीडियो की फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। जैसे मॉनिटर, आपके सामने जो मॉनिटर है, या फिर आप लैपटॉप देख रहे होगे अपना, या आप स्क्रीन देख रहे होगे, वो भी अपने आप में एक मॉनिटर है। वो आपको इस टाइम पर मेरा वीडियो दिखा रही है ना, मेरी क्लास दिखा रही है ना, तो ये क्या हुआ, मॉनिटर आपको आउटपुट शो कर रहा है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर आपको क्या आउटपुट दे रहा है, ये आपको प्रिंट आउट्स देता है, हार्ड कॉपी, जो भी आपको प्रिंट करना होता है। अगला है स्पीकर, अभी आपने देख ही लिया, ये आपको ऑडियो के फॉर्म में आउटपुट देता है। अगला है प्लॉटर। प्लॉटर कुछ नहीं है, ये प्रिंटर की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, या आप बोल सकते हो इसका ही एडवांस वर्जन है। प्लॉटर की मदद से आप बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करते हो, ये कॉमर्शियल पर्पस से यूज किया जाता है। जो आप 70x70 के होल्डिंग देखते हो ना, मूवी थिएटर में जाते हो, या फिर आप बाहर देखते हो एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं, ये सब प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। अगला है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप लोगों ने देखा होगा, हर सिनेमा हॉल के अंदर एक प्रोजेक्टर होता है, जिसकी तरफ से रेज आती है और सामने पर्दे पर पड़ती है, तो आपको पर्दे पर आउटपुट दिखाई देता है। तो प्रोजेक्टर भी क्या कर रहा है, आउटपुट शो कराने का काम कर रहा है ना, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस में फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, अब चलती नहीं है। हार्ड डिस्क आप लोगों के कंप्यूटर में लगी है, आप लोग जानते ही हो। ऑप्टिकल डिस्क में कई सारी आ जाती हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, एचवीडी, अभी जिनके बारे में हम लोग बात भी करेंगे आगे। पेन ड्राइव आप लोग यूज ही कर रहे हो। जिप ड्राइव दरअसल एक ऐसी ड्राइव होती है जो कि प्रोटेक्टेड होती है पासवर्ड से। इनका यूज आमतौर पर ऐसे जनरली नहीं किया जाता है, बट कॉर्पोरेट सेक्टर में जिप ड्राइव का यूज होता है। टेप ड्राइव आज की डेट में नहीं चलते हैं, पहले चलते थे, आप लोगों ने देखा होगा, ये कैसेट की फॉर्म में जो हुआ करते थे, जिनमें रील अंदर लगी होती थी, उस वाले गाने के जमाने पे, जैसे अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, वो सब। तो अब ये चलते नहीं है बेसिकली, ठीक है, इन्हीं को टेप ड्राइव बोलते हैं, जिनको आप कैसेट बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड आप सभी आज की डेट में यूज कर रहे हो, तो ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइसेज हो गए। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आ जाते हैं, बात करते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं। कई बार आपसे बेसिक से क्वेश्चन इनसे बनते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते हो, कारण क्या होता है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, दोनों ही कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं। अंतर क्या है दोनों में, अंतर यह है सीधा सा कि हार्डवेयर टेंजिबल कंपोनेंट है और सॉफ्टवेयर नॉन टेंजिबल कंपोनेंट है। टेंजिबल का मतलब यह है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो,
और नॉन टेंजिबल का मतलब यह है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जिनको आप टच नहीं कर सकते, तो वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को क्या आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते, आप उसे स्क्रीन पे ही देख पाते हो। क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन हार्डवेयर को आप कर पाते हो। अब इसमें भी अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से इनको समझना। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोनों में अंतर क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर की हेल्प के लिए यूज किए जाते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर की हेल्प के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे कैसे अब आप समझ पाओगे? देखिए, यूजर कौन है? यूजर आप हो ना। एग्जांपल के तौर पर आपके फोन की हम बात कर लेते हैं। आपका फोन मैंने मान लिया एंड्रॉइड फोन है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ सिर्फ, आपके फोन में अगर एंड्रॉइड इंस्टॉल ना हो तो क्या व्हाट्सएप यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या फेसबुक यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इंस्टाग्राम यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एग्जाम इंजन यूज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो आपकी मदद के लिए, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब तक रन नहीं करेंगे जब तक बेस पे सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड है। मेरी बात आपको समझ आई? क्या कहने का मतलब है? एक तरीके से जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चाहे वो एंड्रॉइड हो, विंडोज हो, चाहे वो iOS हो, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंसीडर किए जाते हैं। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोचो कि आप विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लो, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो रही है मेरी बात? आप सभी समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से समझ लो, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम अपनी मदद के लिए यूज करते हैं वो सारे क्या हैं? एप्लीकेशन। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि हम कंप्यूटर की हेल्प के लिए यूज करते हैं वो सारे कहलाते हैं क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इतनी बात क्लियर है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं। अब थोड़ा सा मेरे साथ आप लोग नोट करते चलोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। एक मैं आपको PDF भी आज की क्लास के बाद टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो PDF, तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लेना। लेकिन PDF थोड़ी सी हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी की होगी, तो इसलिए आप अपने हाथ से नोट ज्यादा करो तो वो अच्छा रहेगा। तो चलिए, पहले बात कर लेते हैं कुछ एब्रीवेशन की। मेरे साथ फटाफट से आप लोग लिखते जाइएगा, एब्रीवेशन मतलब फुल फॉर्म्स। सभी को क्लियर है ना? स्क्रीन क्लियर है ना? मैं क्या लिख रहा हूं सभी को क्लियर है ना? क्लियर है ना? बोलो भाई। सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आप जो क्लास देख रहे हो ना, मेरे हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर जो लिंक है वो टेलीग्राम का ही ऑफिशियल लिंक है। आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम इंजन पे जो भी क्लास होती है उसके बारे में अपडेट या छोटी से छोटी कोई भी अपडेट, मैं शहर में हूं या नहीं हूं, सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर ही देता हूं। बीच बीच में वहां पर आपको PDF भी मिलती रहती है। तो चलिए, फुल फॉर्म मैंने आपको बोला ना, आप गूगल पे जाओगे करीब आपको 1000 फुल फॉर्म मिलेंगी, लेकिन उनमें से हमारे मतलब की कौन सी है? तो समुद्र में से मतलब के मोती निकालना सीखो, तभी आप GS में आगे निकल पाओगे। मैं आपको कुछ ही यहां पर बता रहा हूं, और यही है वो एब्रीवेशन जो कि आपसे बार बार पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं, लिखते जाइएगा मेरे साथ। एक BMP बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं बिट मैप। क्या बोलते हैं? बिट मैप। अगर हम मॉनिटर्स की बात करें तो पहले मॉनिटर लिख लो, CRT मॉनिटर जो पुराने वाले नहीं आते थे, इनका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ये मॉनिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। CRT के बाद LCD आए, LCD का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी के बाद मार्केट में आए कौन से? एलईडी आए उसके बाद। इनको बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, DIODE। और इसके बाद आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है इसको बोलते हैं TFT। TFT का मतलब क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी किसके, मॉनिटर्स की। ऐसे आपको याद करनी होगी चीजें तब बात बनेगी। ऐसे नहीं कि अंधी आप कुछ भी करते चले जा रहे हो, पूरी लिस्ट आपने ले ली रटते चले जा रहे हो, ऐसे काम नहीं बनेगा। इतना हो गया। आगे बात करते हैं किसकी, डिस्क की बात कर लेते हैं, मतलब स्टोरेज डिवाइस की। तो CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। साथ में एक काम करो, इसका स्टोरेज भी लिखते जाओ। CD का स्टोरेज 700 MB होता है। इसके बाद आ जाओ DVD। फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका स्टोरेज होता है 4.7 GB। जैसा ही नोट हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़ूंगा। जल्दी से नोट करो फटाफट से, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट लिखिए BRD। BRD इसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क। BRD का जो स्टोरेज है ये मार्केट में 50 GB से लेकर 100 GB तक अवेलेबल है। इसके बाद BRD के बाद HVD, इसको बोलते हैं होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क। कितना स्टोरेज है? 6 TB तक इसका स्टोरेज है। क्लियर है इतना? ये हमारे हो गए 4 स्टोरेज। ऊपर आपने देखा हमारे 4 मॉनिटर्स हो गए। कुछ और अब लिखिए, जैसे कि मैलवेयर में आपसे क्या क्या पूछ देता है। एक वायरस का फुल फॉर्म आपसे पूछता है मैलवेयर में, तो वायरस का फुल फॉर्म लिखिए वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसी में एक पूछता है DDoS। DDoS कोई बता सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। नोट कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। मैलवेयर में एक और आपसे पूछा जाता है वॉर्म का फुल फॉर्म। वॉर्म फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। डन है इतना? बोलो भाई। इतना नोट हो जाए तो बताना। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है ये, एक तरीके का मैलवेयर अटैक है। वॉर्म राइट वंस रीड मैनी, हो गया ना? ठीक है सर, ये ऑल SSC एग्जाम के, जी हाँ भाई, UPSC के लिए थोड़ी पूछा जा रहा है, SSC के लिए है बेटा। कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, चलो इधर आओ। अगला आप लिखो Wi-Fi का आपसे पूछ देता है फुल फॉर्म, तो लिखिए वायरलेस फिडिलिटी। इसी तरीके से Li-Fi का फुल फॉर्म पूछता है, तो लिख लीजिए लाइट फिडिलिटी। ये सब इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। एक आपसे पूछा जाता है BIOS का फुल फॉर्म,
वेरी इंपॉर्टेंट। बायोस आपके कहां सेव होते हैं? रोम में सेव होते हैं बायोस, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नोट हो गया? एक कह रहा है सर आप क्या गिफ्ट में दोगे? अब मैं क्या ही गिफ्ट में दे सकता हूं, मैं तो सोच रहा हूं कि अगर आपको थार मिल जाती है तो उस केस में मैं आपको गड्ढे वाले रोड दिखा दूंगा, क्योंकि अगर आपको थार मिलती है तो थार चलाने के लिए ऑफ रोडिंग करनी बहुत जरूरी होती है, तो अच्छी खासी सड़कों में आप दिल्ली NCR के अंदर कहां थार चला पाएंगे। उससे बेहतर होगा कि मैं आपको ऑफ रोड दिखा दूं। तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि अगर आप टॉप करते हैं तो मैं आपको ऑफ रोडिंग के लिए रोड दिखाऊंगा कि कौन कौन सी गड्ढे वाली रोडें हैं, पानी वाली रोडें हैं, जहां पर आप धचाधच एकदम घूम सकते हो, थार से मस्ती मारते हुए रौला काट सकते हो, क्योंकि थार जब तक ऑफ रोडिंग ना करे तब तक मजा ही नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे मैं आपके लिए क्या कर पाऊंगा। बाकी मैं इससे ज्यादा कर ही क्या सकता हूं, बहुत ही तुच्छ हूं मैं, इतना बड़े गिफ्ट शायद ही दे पाऊं मैं। यार कैसी बातें करते हो तुम लोग। मैं एक ऐसे घर से आया हूं जहां पे आप ये समझ लो कि मुझे कभी पॉकेट मनी नहीं मिली है, और जहां पे मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा है कि अगर तुम इतने नंबर ले आओगे तो ये हो जाएगा, इतने नंबर ले आओगे तो हम तुम्हारे लिए ताजमहल खड़ा कर देंगे या कुछ भी कर देंगे। दरअसल मेरे पिताजी ने मुझे कर्जा लेकर ही पढ़ाया है, तो इतना वो कर ही नहीं सकते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन के लिए मेरे पास तो जीवन में और कुछ सोचने को रहा ही नहीं। मेरे पास मोटिवेशन के लिए सिर्फ इतना ही होता था कि माता पिता का चेहरा देख लेता था, वही मोटिवेशन के लिए होता था कि पिताजी कर्ज में डूबे हुए थे और उनका चेहरा देख के ही लगता था कि हाँ बहुत है यार, अब इससे ज़्यादा ही क्या। बस ये लगता था कि इनका कर्जा उतार देंगे अगर सिलेक्शन हो गया तो वो एवेज रहता था। बाकी यार मुझे पॉकेट मनी तो जीवन भर में कभी नहीं मिली, तो गाड़ी साइकिल वाइकिल यार कुछ भी नहीं। और सेकेंड हैंड साइकिल मैंने ली थी, मैं आपको बता दूँ आज भी याद है, अपने पैसे ऐसे जोड़ जाड़ के सारे 600 रुपए की साइकिल ली थी, और उस टाइम पे सब रेंजर चलाते थे, कुछ बाइक आइक से आते थे कोचिंग में, मेरे पास कभी नहीं रही बाइक वाइक। एक लास्ट टाइम पे आके डिस्कवर 100 CC ले ली थी, करीब 2010 की बात है, उसको भी यार रगड़ के चलाया, तो वो वन एंड ओनली बाइक थी मेरे पास, उसके बाद कुछ हुआ नहीं ऐसा सीन। हाँ आज मतलब जो भी है वो फिर है अपनी वजह से, तो बस यही है यार। तो ऑफ रोडिंग के लिए आप टेंशन ना लो, मैं आपको गड्ढों वाली रोडें बहुत सारी दिखा दूंगा। भाई सिलेक्शन लोगे अपने लिए लोगे, ठीक है। और रही बात आपकी कि क्रेडिट कौन किसको देता है कौन नहीं देता है, आप भी भोले नहीं हो, इनफ मैच्योर हो, आपको भी पता है। मैं भी देख रहा हूँ हजारों स्टूडेंट को, मेरे से पढ़ के बच्चा जाता है, उसका मन होता है ना क्रेडिट देने का तो वो देगा मुझे क्रेडिट, नहीं तो इसके आगे कुछ नहीं है यार। उसका मन नहीं होगा, उसको किसी और ने यार कुछ अगर दे दिया तो वो तुम्हें देने ही वाला नहीं है क्रेडिट। तो ये सब मैं सोचता ही नहीं हूँ, पढ़ो और निकलो यार, ना मेरे सरदर्द बनो ना अपना सरदर्द पालो, ठीक है ना, मेरे को सरदर्द चाहिए ना अपना करो, पढ़ो निकलो, पढ़ना है पढ़ लो, वीडियो पढ़े हुए हैं तुम्हें ही पता होगा कि कहाँ से कितना फंसता है GS में, तभी तो आते हो ना पढ़ने, ऐसे तो आ नहीं रहे हो। और हाँ आपको भी पता है ना कि डेली करंट अफेयर नहीं देता हूं, उसके बाद भी जब करंट अफेयर देता हूं तो आते हो ना आप पढ़ने, क्योंकि आपको पता है ये इंसान जब भी दे रहा है ना कंटेंट तो केवल दिल से देगा, भले ही डेली करंट अफेयर ना दे। तो मुझे भी पता है आपको भी पता है सच्चाई क्या रखा है बातों में, खुरपा ले ले हाथों में, इधर आओ ध्यान दो। तो बायोस लिखा आपने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसके बाद आगे आ जाइए, JPEG के बारे में पूछ देता है। इसको बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्लियर हो गया इतना, डन है, अगला लिख लो JPEG के बाद। अच्छा पिछले दो बार में एक और पूछा गया है फुल फॉर्म, ध्यान रखना अगर ऐसे लिख दे तो घबराना नहीं है आपको, ठीक है। WWW तो हमें पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, आखिरी वाले W का मतलब है वॉर्म, क्या मतलब है वॉर्म, ठीक है।
आप लोग देखते हो ना जो व्हाट्सएप में GIF इमेजेस आती हैं, एक दूसरे को भेजते हो ना, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट GIF, नोट हो जाए बताना। हाँ, वर्ल्ड वाइड वेब बॉर्न, यार ये जो आया था ना, ये पहली बार IB के एग्जाम में पूछा गया था, अभी 2 साल पहले IB के एग्जाम में पूछा गया था, तब सबके होश उड़ गए थे कि अरे, कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि यार www के आगे वो गलती से छप गया है एक W, बट नहीं, आपको ध्यान रखना वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, डन है, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला लिखो URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। इसके बाद लिख लो CDMA, इसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। एक लिख लो सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम। और हमारा इंपॉर्टेंट में क्या है, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक लिखो ASCII, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, FTP है ना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे ही एक लिख लो SMTP, पूछ देता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक लिख लो VOIP, VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, सिम हो गया, FTP हो गया, SCII हो गया, SMTP, VOIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। JPEG आपने लिख ही लिया है, HTTP, HTTP पूछ देता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, डन है, डन है। इसके बाद अगला हेडिंग पड़ेगा टाइप्स ऑफ डोमेन, फटाफट से हाथ थोड़ा सा तेज चलाना, टाइप्स ऑफ डोमेन, डोमेन टाइप्स में देखो डोमेन क्या क्या होते हैं, जैसे .com हो गया, .co.in हो गया, .edu हो गया, ये सब आपसे पूछा जाता है, तो लिखिए .edu, ये होता है एजुकेशन के लिए, .edu किसके लिए, एजुकेशन के लिए, .gov, GOV आपका गवर्नमेंट वेबसाइट में यूज किया जाता है, तो ये किसके लिए होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए, .in इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट होती है ना तो .aus होता है, पाकिस्तानी वेबसाइट होती है .pk होता है, अमेरिकन वेबसाइट होती है .us होता है, तो वैसे ही भारत का है .in, ऐसे ही आपका मिलेगा, जैसे आप देखते हो ना SSC.NIC.in,
तो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और pmo.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, ऐसा ही लिख लो .mil, ये मिलिट्री सर्वर्स में यूज किया जाता है, मिलिट्री सर्वर्स में यूज किया जाता है .mil, डन है। इसके बाद लिखो आपका एक होता है .text, ये आपकी व्लॉगिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ब्लॉगिंग, वीलॉग नहीं, ट्रैवल वाले नहीं, ब्लॉगिंग, जो डेली के डेली कुछ नोट अपने लिखते हैं, ठीक है, वेबसाइट पर। .com लिख लो, कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कॉमर्शियल। .co कॉरपोरेट, कॉरपोरेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ डोमेन जैसे ही नोट हो जाए बताना। नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ डोमेन, ये सब आपको पता होने चाहिए, डोमेन। डन हो गया सर। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, तो जाके ज्वाइन कर लीजिए। इतना नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए कंप्यूटर जनरेशन, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन बना देता है। कंप्यूटर जनरेशन बहुत सिंपल है, कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है आज तक? तो कई लोग बोलते हैं 8 जनरेशन है, कई लोग बोलते हैं 5 है, कई लोग बोलते हैं 9 जनरेशन है, कोई बोलता है 11 जनरेशन है। दरअसल 5 के ऊपर वाले जितने हैं वो सब प्रोसेसर की जनरेशन बता रहे हैं। प्रोसेसर में आपकी 9th 10th जनरेशन चल रही है, बट कंप्यूटर में आज तक सिर्फ 5 ही जनरेशन हुई है। तो पहली जनरेशन आपको यहां पर लिखना है, एक काम करो ऐसे मत करो, इसमें 3 कॉलम बना लो, एक में लिख लो जनरेशन, दूसरे में लिख लो टाइम पीरियड और तीसरे में लिख लो किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। तो जो आपका टाइम पीरियड है ना, इससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेयर है क्वेश्चन। जो ज्यादा क्वेश्चन आपका बनने का चांसेस रहता है ना, वो टेक्नोलॉजी से रहता है। क्या आपसे पूछेगा ऐसे करके कि तीसरी जनरेशन की कौन सी टेक्नोलॉजी है, और 4 टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दे देगा, ठीक है, ऐसे करके। पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, ये आपका 1940 से लेकर 1956 तक चली पहली जनरेशन। और फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे। क्या यूज किए जाते थे प्रोसेसिंग के लिए? वैक्यूम ट्यूब्स कंप्यूटर में। उस टाइम पर कंप्यूटर 2-2, 3-3 कमरे के बराबर हुआ करते थे, और काम केवल क्या करते थे, केवल गणना ही किया करते थे, कैलकुलेशन बस करते थे, प्लस माइनस मल्टीपल डिवीजन, बस इतना कर पाते थे कंप्यूटर, और इससे ज्यादा कंप्यूटर कुछ नहीं करता था उस टाइम पे। फिर आई सेकेंड जनरेशन, जो कि आपकी 1956 से लेकर 63 तक रही, और यहां पर आगे क्या ट्रांजिस्टर आ गए। सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई? ट्रांजिस्टर्स आ गए। अब आई तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 1963 से लेकर यह रही 71 तक, और यहां पर रहे आईसी, इनको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद जो चौथी जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन, ये आपकी 1971 से लेकर 1989 तक रही, और यहां पर क्या यूज हुए, माइक्रो प्रोसेसर। और इसके बाद आज की डेट में पांचवी जनरेशन चल रही है, फिफ्थ जनरेशन, जो कि 1990 में लॉन्च हो चुकी थी और अब तक चल रही है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जिसको आप बोलते हो, रोबोटिक बोलते हो। आज की डेट में आप देख रहे हो ना, हर एक काम सेंसर्स के थ्रू हो पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आर्टिफिशियली अपना इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट करती है। देखिए, दुनिया में इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है इंसान। इंसान के अलावा प्योर इंटेलिजेंस जानवरों में भी नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान का ब्रेन ऐसा ब्रेन है जो कि डिसीजन मेकिंग रखता है, जो कि रीजनिंग सॉल्विंग पैटर्न में है,
हम रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं, हम डिसीजन मेकिंग है, बट जानवर ऐसा नहीं है, उनके अंदर बुद्धिमत्ता है, ठीक है, लेकिन बुद्धिमानी नहीं है। क्लियर? तभी तो बोलते हैं ना, पशुओं का प्यार सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, अनकंडीशनल होता है, क्योंकि वो आपकी तरह पजल ब्रेन नहीं रखते हैं, या फिर आपकी तरह रीजनिंग सॉल्विंग ब्रेन नहीं रखते हैं। तो आज की डेट में ऐसी मशीनें हमने बना ली है जो कि इंसानों की तरह रिएक्ट करती हैं। जैसे आपने देखा होगा मॉल वगैरह में, आप वॉशरूम में जाइए, उनके सामने खड़े हो जाइए, तो जैसे ही आप जाके वॉशरूम में खड़े हो जाते हो, पानी अंदर से बाहर निकलने लगता है। अब अंदर एक आका बैठा हुआ है, जिन बैठा हुआ है, जिसको पता लग गया है कि मेरे साहब आ गए, अब इनके लिए पानी डालना चालू करो। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, दरअसल वो समझ रहा है, वो एक मैकेनिज्म है, वो समझ रहा है। वो कैसे समझ पा रहा है कि अब वाटर को फ्लो करना है? सेंसर्स की वजह से। पहले क्या होता था, जब पार्किंग कैमरेज नहीं हुआ करते थे, गाड़ी बैक करते टाइम एक बंदा पीछे लगा होता था, हाँ भाई और पीछे लो, और पीछे लो, हाँ भाई और पीछे लो, अरे अरे बस बस बस, पता लगा इतनी देर में गाड़ी ठुक गई। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हो गाड़ियों में पार्किंग सेंसर्स हैं, पार्किंग कैमराज हैं, जिसके लिए हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वो गाड़ी खुद ही वो काम कर दे रही है जो आज तक एक व्यक्ति किया करता था, और उसके बाद भी गाड़ी ठुक जाती थी। बट अब ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहा है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स जिसे बोलते हो, ठीक है। आज की डेट में हम इन दोनों जनरेशंस का यूज कर रहे हैं, हम इन दोनों जनरेशंस का यूज कर रहे हैं। आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो रहा है, और आपकी लाइफ में आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज कर रहे हो। पहले क्या होता था, सुल्तान बादशाह राजा हुआ करते थे, पूरी पूरी रात उनके लिए पंखा डुलाने के लिए दो दासियां खड़ी हुई हैं, ये आए भी पंखा लिए, सुल्तान सो रहा है, बादशाह सलामत सो रहे हैं, होता था ना, होता था ना। उसके बाद वो कह के सोता था कि जब तक सुबह ना हो जाए तब तक करते ही रहना, नहीं तो पता लगा गर्दन कट गई सुबह। लेकिन अब आप देखो, अब आप बादशाह की तरह ही तो सोते हो, राजाओं की तरह तो सोते हो, लेकिन बस क्या है, अब आप एसी को बता देते हो अपना, पहले ही एसी में आप टाइमर लगा देते हो कि बेटा दो घंटे बाद अपने आप बंद हो जाना, और इतने बजे फिर चल जाना, मुझे उठना ना पड़े, नहीं तो बेटा उठा के तोड़ दूंगा। समझ रहे हो ना? तो मैकेनिज्म है, इंसानों की तरह रिएक्ट कर रहा है मैकेनिज्म। क्लियर हो रही है बात? आप समझ पा रहे हो? तो ये फाइव जनरेशन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए, आपसे प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर समझो टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कितने तरीके के मूलतः होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर ये ओल्ड कैटेगरी है, ये पुरानी कैटेगरी है प्रिंटर्स की, और जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ये न्यू कैटेगरी है, अपडेटेड कैटेगरी है। जो इंपैक्ट प्रिंटर हुआ करते थे, इनकी खास बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब इसमें लागत बहुत कम आती है। अब इनके ड्रॉबैक क्या क्या है समझ लो, ड्रॉबैक भी है दूसरी तरफ। ड्रॉबैक जो है, पहला ड्रॉबैक ये है कि ये नॉइजी बहुत होते हैं, मेक सम नॉइस फॉर द देसी बॉयज, समझ रहे हैं ना, ये नॉइजी बहुत होते हैं, आवाज बहुत होती है इनमें। दूसरी चीज, स्पीड भी इनकी लो होती है, ये भी इनका ड्रॉबैक है, ठीक है। और क्वालिटी भी इनकी लो होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है। अब दूसरी तरफ अगर इंपैक्ट की, नॉन इंपैक्ट की हम बात करें, तो ये इनका जो ड्रॉबैक है, ये कॉस्टली होते हैं, पैसा इसमें ज्यादा लगता है। लेकिन इनके जो बेनिफिट्स हैं वो ये है, एक्यूरेसी इनमें बहुत होती है, क्वालिटी होती है, प्रिंटिंग क्वालिटी, साथ में स्पीड इनकी बहुत इनहेंस है, और ये कैसे होते हैं, साइलेंट होते हैं, नॉइजी नहीं होते हैं, ये शोर नहीं करते ये। अब इनके एग्जांपल कौन कौन से हैं तो समझिएगा, जैसे अगर इंपैक्ट प्रिंटर की हम बात करें, तो इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आ जाते हैं डेजी व्हील प्रिंटर,
डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, पुराने टाइम पर यूज किया जाते थे, आज भी इनका यूज कहीं ना कहीं किया जाता है। डेजी व्हील प्रिंटर का यूज मोहरों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। स्टैंप आपने देखी है ना, स्टैंप, स्टैंप में आप देखते हो ना उभरे हुए नंबर लिखे होते हैं या नाम लिखा रहता है उभरा हुआ, तो वो सब डेजी व्हील प्रिंटर से ही प्रिंट करे जाते हैं। इसके अलावा इसमें और कौन से हो सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर, ये भी इसी का एग्जांपल है, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की खास बात ये होती है, माफी चाहता हूं, इंकजेट मैंने यहां पर लिख दिया, इंकजेट तो आपका नॉन इंपैक्ट में आएगा, ये आपके होते हैं डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स। देखो नाम से ही आपको समझ आ रहा है, डॉट मैट्रिक्स मतलब ऐसे प्रिंटर जो कि डॉट्स की फॉर्म में प्रिंट करते हैं। जैसे कि अगर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करेगा ना, तो ए ऐसे, नॉर्मली ए ऐसे लिखा होगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट करेगा तो ऐसे लिखा होगा, डॉट 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 करके, वन लिखेगा तो ऐसे लिखा होगा, डॉट 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 करके। ऐसे प्रिंटर आपको रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में दिखाई देते हैं, ठीक है, आप रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाइए और वहां पर आप बोलो कि 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट दे दो, उस पर आप देखोगे डॉट की फॉर्म में ही प्रिंट होता है, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं। कभी आपने गौर किया रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पे वो छोटा सा टिकट होता है, उसको प्रिंट करने में भी 5 सेकंड लग जाते हैं या 10 सेकंड लग जाते हैं करीब करीब, और ऊपर से आवाज कैसी आती है, की 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 करके पूरा निकलता रहता है, वो एक एक लाइन वो प्रिंट कर रहा होता है। लेकिन फिर भी सोचने वाली बात है कि जब स्पीड इनकी लो है, क्वालिटी भी लो है इनकी, इतना शोर भी करते हैं, उसके बाद भी यूज क्यों किया जा रहा है? कारण यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। इनका यूज आज भी वहां पर किया जाता है जहां पर हमें लागत बचानी है। अब इंडियन रेलवे सिस्टम में इनका यूज आज भी इसलिए किया जा रहा है, आप खुद सोचिए पूरे भारत में हर सेकंड कितने टिकट प्रिंट हो रहे हैं, लाखों टिकट प्रिंट हो रहे हैं और अगर हर एक टिकट में एक पैसा भी सरकार को बच रहा है तो हर एक सेकंड में हजारों रुपए सरकार इंक से बचा रही है। इस वजह से हम इसको यूज करते हैं आज की डेट में। आप बैंकों में देख लीजिए, आज भी बैंकों में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है क्योंकि बहुत लंबी लंबी बैलेंस शीट होती है, बोल दिया गया पूरे एक साल की बैलेंस शीट निकाल के दो, भाई साहब वो 1000 पेज का एक पुलिंदा बन जाएगा, आप उसे लेजर प्रिंटर से निकालने जाओगे बात नहीं बनेगी। अब दूसरी तरफ नॉन इंपैक्ट में आ जाते हैं तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, नंबर वन लेजर प्रिंटर, आपके घरों में जो प्रिंटर होता है, इंटरनेट कैफे में होता है, ऑफिसेस में जो यूज करे जा रहे हैं, ये सब लेजर प्रिंटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंटर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, लेजर। लेजर प्रिंटर क्यों यूज किए जाते हैं घर पे, क्योंकि पहली चीज तो ये कॉम्पैक्ट होते हैं, इनका साइज कॉम्पैक्ट है, दूसरी चीज पोर्टेबल है, आप इन्हें इजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, तीसरी चीज कॉस्टली ये थोड़े से होते हैं, ये इनका एक ड्रॉबैक है, ठीक है, इनकी जो कार्ट्रिज है वो महंगी होती है, बट दूसरी चीज स्पीड इनकी हाई होती है, इन अ वन बिट टाइम एक पूरा प्रिंटआउट ये निकाल देते हैं, एंड अनदर जो इसका एडवांटेज है, एक्यूरेसी भी इसमें प्रिंटिंग की बहुत अच्छी होती है। लेजर के बाद इसी में आपका आ जाता है इंकजेट, इंकजेट प्रिंटर का यूज किया जाता है प्लास्टिक प्रिंटिंग के लिए, जैसे पार्ले जी आता है ना, पार्ले जी में जो वो छोटा सा बच्चा बना हुआ है ऊपर पार्ले जी लिखा हुआ है, ये सब इंकजेट से प्रिंट किया जा रहा है। इवन इतना ही नहीं, आपके जो एटीएम कार्ड है ना, एटीएम कार्ड के ऊपर भी जो प्रिंटिंग है वो सब इसी से प्रिंट करी जाती है। इसके अलावा प्लॉटर भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। प्लॉटर तो अभी मैंने आपको बताया था, ये प्रिंटर की सबसे ज्यादा इनहेंस्ड कैटेगरी है, ठीक है, आज की डेट में जितने भी आपको बड़े बैनर, फ्लेक्सेस, होल्डिंग्स बनवाने होते हैं वो सब प्लॉटर से ही प्रिंट किए जाते हैं। इनकी कॉस्ट लाखों में होती है, इनकी प्रिंटिंग भी हजारों में चली जाती है, बहुत महंगे होते हैं, इनहेंस्ड क्वालिटी प्रिंटर है। इसी में थर्मल प्रिंटर भी एक आ जाता है। थर्मल प्रिंटर का यूज कहां पर किया जाता है, आपने पॉज मशीन देखी है, पॉज मशीन, ऐसी आपने एक मशीन देखी है, ऐसे ऊपर एक स्क्रीन होती है, नीचे आप देखते हो बटन लगे हुए हैं, ऐसे करके देखी होगी ये मशीन आपने, इसमें कार्ड आप स्वाइप करने का ऑप्शन होता है या कार्ड यहां से इंसर्ट करके भी आप कोड डाल देते हो, देखा होगा शॉपिंग मॉल्स में, दुकानों में आपको दिखता है, इसको बोलते हैं पॉस टर्मिनल। क्या बोलते हैं? पॉस। और पॉस का फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। तो पहली चीज तो यह है कि जितने भी पॉस टर्मिनल होते हैं
और इनसे जो रिसीट निकलती है, जो पर्ची ऊपर से निकलती है इनसे, वो थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट हो रही है। इसके अलावा एटीएम मशीनों से जो आपको पर्ची निकल रही है वो भी थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट हो रही है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल देने आता है जो बंदा, वो भी हाथ में वही टर्मिनल लेकर आता है जिसमें थर्मल प्रिंटर है। आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेमेंट करते हो, वहां पर भी आपको थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट मिलता है। आप बस से ट्रैवल करते हो तो जो कंडक्टर भैया होते हैं, वो जो आपको टिकट बना के देते हैं, उनके हाथ में भी जो मशीन है उसमें भी थर्मल प्रिंटर लगा हुआ है। मेरी बात आप समझ गए। सभी लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? और मोहब्बत इतनी कम क्यों है? सुल्तान को मोहब्बत बख्शो। डन है इतना, चलो और आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे आईपी क्लासेस पूछ देता है। क्या पूछ देता है? आईपी क्लासेस। आईपी क्लासेस कितने तरीके की होती हैं? इसको क्या हो गया? आईपी क्लासेस कितने तरीके की होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, 5 तरीके की, 5 टाइप्स ऑफ आईपी क्लासेस। कौन कौन सी? ए, बी, सी, डी और ई। इनकी रेंज से आपसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि ए, बी और सी ये तीनों आपके प्राइवेट पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, जितने भी आप प्राइवेट कंपनीज में या खुद के आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, आपका मोबाइल फोन है, सबके जितने भी आप देखोगे आईपीस ए, बी और सी रेंज के होंगे। लेकिन डी क्लास का आईपी डिफेंस पर्पस के लिए होता है, डिफेंस में यूज किया जाता है, साथ में मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वो टीवी चैनल वगैरह है ना, ये सब डी रेंज यूज करते हैं। इसके बाद ई जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि इसरो हो गई, नासा हो गई, जाक्सा, रॉसकॉस्मोस, ये सब ई रेंज का आईपी यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ केबल देख लीजिए, पूछ देता है कभी कभी। टाइप्स ऑफ केबल, केबल कितने तरीके के होते हैं? तो केबल आपके 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला जिसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल कौन सी चिड़िया का नाम है? आपने देखा होगा आपके घरों में जो वायरिंग होती है ना, वो सब ट्विस्टेड पेयर केबल से होती है। लाल, पीले, हरे, नीले, मतलब हमेशा 2 की फॉर्म में रहेंगे। जैसे नाग नागिन का जोड़ा होता है ना, वैसे ही दोनों तार आपस में लिपटे हुए होते हैं। बस कलर कुछ भी हो सकता है, काला नीला हो सकता है, लाल पीला हो सकता है, हरा पीला हो सकता है। देखे होंगे आपने, 8 से 10 रुपए मीटर की कीमत पे आपको मिल जाते हैं, लेकिन इनका ट्रांसमिशन रेट सबसे कम होता है। हमारे घर के अंदर बिजली यूज करने के पर्पज से बेस्ट होते हैं ये, कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, पैसे की भी बचत हो जाती है और हमारा पर्पज भी सॉल्व हो जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरा जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। क्या बोलते हैं? कोएक्सियल केबल। अब ये कोएक्सियल केबल कैसे होते हैं देख लो, शायद याद आ जाए आपको। ऐसे वायर हैं काले रंग के, जब आप इसे हल्का सा अंदर छीलेंगे तो व्हाइट कलर का आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और उसके भी अंदर से कूपर वायर निकला हुआ है। ये तार आपको कहां दिखाई पड़ते हैं? डिश टीवी वगैरह में कभी आपने ध्यान दिया है? इसी तरीके का वायर होता है। पहले आपके घर में एंटीने से जो आता हुआ जो वायर होता था, नीचे जो डिस्क आके पीछे टीवी में लग जाता था, वो यही वायर तो होता था, कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा कॉस्टली होते हैं और उनका ट्रांसमिशन रेट भी इससे कहीं ज्यादा होता है ट्विस्टेड पेयर से। और जो तीसरे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा इनकी कॉस्ट है। लेकिन इनके बेनिफिट क्या है? इसका जो बेनिफिट है पहला, वो है ट्रांसमिशन रेट। इसका ट्रांसमिशन रेट सबसे हाई होता है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि ये वाटर प्रूफ होते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खास बात है, वाटर प्रूफ। आप इन्हें पानी के अंदर भी यूज कर सकते हो। और इनका यूज कहां पर किया जा रहा है? इंटरनेट के लिए।
आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज इन्हीं का किया जा रहा है, इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का। आपने कई बार देखा होगा गड्ढा खोदा जा रहा है और जमीन के नीचे तारे पड़ रही हैं, तो आपने देखा होगा इतने मोटे तार ये होते हैं और उनके अंदर बंच ऑफ वायर्स होते हैं, तो वो दरअसल फाइबर ऑप्टिक केबल ही है। कुछ टाइम पहले करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा कि अंडमान की तरफ और इधर नीचे आ जाओ तो मालदीव्स की तरफ, दोनों तरफ ही रिलायंस जियो के द्वारा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाए जा रहे हैं इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। मालदीव्स में तो भारत सरकार एक पूरा स्पोर्ट्स कॉरिडोर ही बना रही है, तो वहां पे भी इंटरनेट कौन देगा? जियो देगा। तो समुद्र के नीचे से ये तार गुजारे जा रहे हैं, तो क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज आर फाइबर ऑप्टिक केबल। और ये क्या है? वाटर प्रूफ है। तो ये तीन तरीके के आपके वायर भी हो गए। अगली हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि कंप्यूटर में पूछी जाती हैं बार बार, और एक मैं मैराथन इसके बाद क्वेश्चन की लेकर आऊंगा, ठीक है, वो लेकिन 28-29 तारीख में लाऊंगा। ट्रांसमिशन मोड कितने तरीके के होते हैं? देखिए, पहला ट्रांसमिशन मोड जिसको बोलते हैं सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स। अब देखो सिंप्लेक्स की खास बात क्या होती है, सिंप्लेक्स जो ट्रांसमिशन मोड है इसकी कंडीशन ये बोलती है कि यहां पर डेटा एक से दूसरी जगह पास होगा लेकिन दूसरी से पहली जगह डेटा नहीं पास होगा। अगर नहीं समझे तो इधर देखिएगा, अभी आपको आ जाएगा समझ। सिंप्लेक्स की कंडीशन क्या कह रही है? यहां पर डेटा ए से बी की तरफ तो जाएगा लेकिन बी से ए की तरफ डेटा नहीं आ पाएगा। एग्जाम्पल क्या है? टीवी। आप देखते हो टीवी चैनल मल्टीकास्ट करके आपकी तरफ डेटा भेजते हैं, आप अपनी डिवाइस मतलब टीवी में उसे देख पा रहे हो, लेकिन क्या आप टीवी तक अपना डेटा भेज पाते हो? टीवी चैनल तक नहीं, क्योंकि वो सिंप्लेक्स मोड यूज कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल है एफएम। आपकी डिवाइस में आप एफएम से वॉइस आ रही को सुन पा रहे हो, लेकिन क्या आप अपनी तरफ से एफएम को वॉइस भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। अभी मैं कहना कि एफएम में तो कॉल कर देते हैं, कौन है विक्रांत का कहना है सर जी एक डायलॉग सुल्तान वाला, तो विक्रांत ऐसी बात है ना कि आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है पर बन नहीं सकता, क्योंकि सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। इधर आ जाइए। नेक्स्ट जो है ये जो दूसरा हमारा मोड है सिंप्लेक्स के बाद, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। अब हाफ डुप्लेक्स की कंडीशन देखना क्या होती है। इसकी कंडीशन होती है कि ए से बी की तरफ डेटा ट्रांसफर हो सकता है और बी से ए की तरफ भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, एक टाइम पे एक तरफ ही डेटा ट्रांसफर होगा, चाहे ए से बी की तरफ कर लो चाहे बी से ए की तरफ कर लो, मतलब वन बाय वन डेटा ट्रांसमिशन होगा, एक बार में दोनों तरफ नहीं होगा। एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी। आप देखते हो ना वॉकी टॉकी में एक तरफ से जब आप ट्रिगर प्रेस करते हो तो आप बोलते हो अपना मैसेज देते हो, फिर बोलते हो ओवर, और ओवर बोलने के साथ ही आप वो बटन छोड़ देते हो, इसका मतलब आपका जो चैनल है वो अब क्लोज हो गया। बात आ गई समझ? अब ये वाले भाई साहब बोलेंगे, अब इन्होंने बोलना चालू किया तो इनका वाला मोड ऑन है, जैसे ही इन्होंने भी ट्रिगर छोड़ा ओवर करके अब इनका ऑफ हो गया, आपका ऑन हो गया, वन बाई वन ऑफ ऑन हो रहे हैं। और तीसरा और आखिरी मोड जो होता है ट्रांसमिशन का, इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की कंडीशन सीधी है भाई, ये कहता है कि ए से बी की तरफ डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो एक ही टाइम पे और बी से ए की तरफ भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, मतलब एक ही समय में बी और ए दोनों एक ही दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं साइमल्टेनियसली एक साथ। एग्जाम्पल मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। आप देखते हो ना आपने वीडियो कॉल लगाया और उसके बाद आप बोल रहे हो मेरे बाबू ने आज मैदी थाई, तो बाबू उदलते देख रहा है और बोल रहा है बाबू मैंने तो मैदी था ली, तुम्हारे मुंह में पालक लगी है पहले उसको निकालो। तो दोनों एक दूसरे को बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आहें भर रहे हैं, ये क्यों हो पा रहा है? क्यों? क्योंकि फुल डुप्लेक्स मोड यूज कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली डेटा ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? सॉर्टेड है यहां तक?
इसके बाद अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएसआई मॉडल। इसको बोलते हैं आईएसओ ओएसआई मॉडल नेटवर्किंग में। आईएसओ ओएसआई मॉडल, इसमें कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती हैं। कितनी? 7 लेयर्स। कौन कौन सी? तो इधर लिख देता हूं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और लास्ट में फिजिकल लेयर। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई? अब इसको आप ऐसे कर लीजिए, क्लियर हो गई बात इतनी। ये आपका क्या है? आईएसओ ओएसआई मॉडल है, ठीक है। ओएसआई का मतलब है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। आईएसओ मॉडल दरअसल नेटवर्किंग में यह बताता है कि आपने कोई भी मैसेज आपकी डिवाइस से भेजा तो वो दूसरे की डिवाइस तक पहुंचने में इन 7 स्टेप्स को फॉलो करता है। हालांकि इसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एन नेटवर्क इंजीनियरिंग। इसको मैंने खोल के वैसे बैच में बताया हुआ है एग्जाम इंजन में, बट फिलहाल यहां पर मैं इन चीजों को खोल के नहीं बता रहा हूं। फिलहाल मैं यहां पर आपको तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आईएसओ की खास बात यह है कि इसे लिखा ऐसे जाएगा लेकिन पढ़ा इसे ऐसे जाता है। इसकी वर्किंग अप्रोच बॉटम टू टॉप है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा? भाई इससे फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है समझो। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनता है, 4 ऑप्शन देगा लेयर्स में से और बोलेगा कि ओएसआई मॉडल की दूसरी लेयर कौन सी है, ठीक है। अब आप लगा दोगे प्रेजेंटेशन लेयर कि भाई दूसरी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, बट नहीं। मैंने क्या कहा, एग्जीक्यूशन की अप्रोच जो है वो बॉटम टू टॉप रहेगी। तो इसका मतलब पहली लेयर ये है, दूसरी डेटा लिंक है, तीसरी नेटवर्क है, चौथी ट्रांसपोर्ट है, पांचवी सेशन है, छठवीं प्रेजेंटेशन है और सातवीं एप्लीकेशन है। कभी भी आपसे पूछा जाए पहली लेयर कौन सी है तो आप एप्लीकेशन लेयर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे फिजिकल लेयर पहली लेयर है। आखिरी लेयर कौन सी है? एप्लीकेशन लेयर है। दूसरी लेयर कौन सी है? प्रेजेंटेशन नहीं है, डेटा लिंक लेयर है। क्लियर हुई बात? इसको याद रखने का भी एक तरीका है, आप ऐसे भी रख सकते हो, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आप एसटी नहीं दे पाएंगे। एसटी का मतलब स्पीड टेस्ट, आप स्पीड टेस्ट नहीं दे पाएंगे। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। हो गया खत्म, टाटा बाय बाय, गया खत्म। अरे बात आप समझ रहे हैं, क्लियर है इतना, सॉर्टेड है ना? पंजाब से बहुत सारा प्यार आ रहा है, उड़ीसा से भी प्यार आ रहा है, आप सभी के प्यार का बहुत बहुत आभार। क्लियर हो गई बात इतनी। चलिए कुछ एक लास्ट चीज देख लीजिए डीबीएमएस में, जो आपसे लगातार पूछी जाती है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डीबीएमएस में बार बार घुमा फिरा के आपसे कुछ चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि पूछा क्या जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं, कई लोगों को डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस ही नहीं पता होता है। जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा ए टी बी, मैं कह रहा हूं बताओ इसका मतलब क्या हो, आप कहोगे पागल हो क्या, अटब। हिंदी में क्या बोलोगे? अटब बोलोगे ना, आप कहोगे ये क्या हुआ, पूरी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है अटब। अटब का मतलब क्या होता है? दिस इज डेटा। बात आ गई समझ? अब मैंने क्या किया, बी को मैं आगे लेकर आया और बाकी ऐसे ही लिखा रहने दिया, मैंने ऐसे इसको लिख दिया। इन्फॉर
डेटा वही का वही है, इसके अलावा मैंने और कोई डेटा यूज नहीं किया। उसी डेटा को क्या कर दिया मैंने, अरेंज फॉर्म में कर दिया। जब डेटा अरेंज ऑर्डर में आ जाता है तो ये क्या बन गया, अब ये इंफॉर्मेशन बन गई। इंफॉर्मेशन का हमेशा कोई ना कोई मीनिंग होगा, डेटा का मीनिंग हो या ना हो यह जरूरी नहीं है। बात आ गई समझ। इतना समझाने का मतलब यह है मेरा आपको कि आप यहां पर अब लिखोगे ताकि आपको ध्यान रहे कि इंफॉर्मेशन जब भी आपसे पूछी जाए क्या है, तो लिख लो अरेंज फॉर्म ऑफ डेटा। अरेंज फॉर्म ऑफ डेटा, जब डेटा को आप अरेंज फॉर्म में लगा देते हो तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती। इंफॉर्मेशन हमेशा महत्वपूर्ण होगी, हमेशा वाइटल होगी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए टेबल क्या होती है, तो टेबल किससे मिलकर बनी है, जैसे ये देख लो यहां पर ये टेबल है, ये मैंने एक टेबल बना दी। तो टेबल किससे मिलकर बनी है, ये ऊपर वाले क्या है कॉलम है और ये क्या है ये रो है। तो टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, लिख लीजिए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। इसी तरीके से आपसे पूछ देता है प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की क्या है यूनिक, यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ टेबल, यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ टेबल। अब यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ टेबल क्या हुआ समझाता हूं। जैसे ये मैंने एक टेबल बना ली, ठीक है, इस टेबल में यहां मैंने लिख दिया रोल नंबर, यहां लिख दिया नेम और यहां लिख दिया सिटी, ठीक है, 1 2 3 ए बी ए सिटी लिख दिया, जेड वाई क्यू, ठीक है। अब देखो इस टेबल में हमें तीन लोगों का डेटा मिल रहा है, ओके। मुझे एक बात बताइए, क्या नाम एक जैसे नहीं हो सकते? अरे बिल्कुल हुए होंगे, आपकी क्लास में भी, मेरी क्लास में तो कुछ ऐसे कॉमन नेम हुआ करते थे, एक के बोलो तो चार लोग खड़े हो जाते थे, जैसे आशीष हो गया, राहुल हो गया, ये सब इतने कॉमन नेम है, पूजा हो गया, कीर्ति हो गया, ये सब बहुत कॉमन नेम। उसी तरीके से आप कंपनी में जाएंगे तो एम्प्लॉयज भी आपको दो नाम के नहीं मिल सकते क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं, ठीक है ना। क्या इनके शहर, क्या शहर एक नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, दो स्टूडेंट एक सिटी से बिलोंग कर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर क्या है? सेम होंगे? कभी नहीं, क्योंकि एक गुड डेटाबेस की निशानी ही होती है कि वहां पर टेबल में हमेशा एक यूनिक एट्रीब्यूट रखा जाए या यूनिक कॉलम रखा जाए, और जो यूनिक कॉलम होता है वही क्या है, वही प्राइमरी की है। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? मेरी बात आप लोग समझ पाए? सॉर्टेड है? क्लियर है ना इतना? ठीक है, 28 या 29 तारीख को मैं मैराथन लेकर आ रहा हूं क्वेश्चंस की, जहां से आपको और ज्यादा मदद मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी ऑफर के लिए केवल 7-8 घंटे बचे हुए हैं, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर है, आप लोग इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। और इस ऑफर में 25% का आपको फ्लैट डिस्काउंट मेरे फुल बैच में मिल रहा है, आप GS GK का फ्लैट बैच ले सकते हो। बाकी जो MTS वाला बैच है उसमें मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उसकी फी केवल 300 रुपये मैंने फुल बैच की रखी हुई है। तो आप MTS का भी बैच ले सकते हो, अभी भी एनरोल कर सकते हो, वो बैच चल रहा है, उसमें हमने जो फी रखी हुई है वो मात्र 301 में आपको सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, वो भी आप ले सकते हो। या आप GS GK का भी ऑप्शन है केवल 101 में। साइंस मैगजीन अगर आपने नहीं लिया तो वो भी आप ले सकते हो, 80 से ज्यादा पेजेस की साइंस मैगजीन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अपलोडेड है एग्जाम इंजन पे। एग्जाम इंजन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, तुरंत जाओ इंस्टॉल करो और जाके साइंस की मैगजीन डाउनलोड कर लो। साइंस की मैगजीन का प्राइस 10 रुपये मैंने रखा हुआ है मात्र। साथ में अगर आपने एग्जाम इंजन में कोई भी कोर्स परचेज किया है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया है
तो आप मात्र 10 रुपए पे करके पूरी मैगजीन ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ इंपॉर्टेंट मैंने उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों अलग अलग में दिया हुआ है, जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आज रात 12 बजे तक आप इसका फायदा उठा सकते हो, इस ऑफर का भी। फ्लैट है 25%, उसके बाद 12 बजे के बाद रेट वही 1500 के 1500 हो जाएंगे। आज की बात यहीं तक, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, अब मेरी और आपकी मुलाकात जो होगी ये सीधे होगी 28 तारीख को, तो आप लोग पैनिक मत करिएगा, मैं बीच में आपको एक गिफ्ट देने भी आऊँगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा पूरे तरीके से, ठीक है? तो अनाउंस करने के लिए आऊँगा, हो सकता है एक दो बार मैं लाइव भी आ जाऊँ, आपसे बात करूँ आके, ठीक है? लेकिन क्लासेस सीधे अब 28 तारीख को ही होंगी। बाय एवरीवन, ख्याल रखिए अपना। इस क्लास को उन लोगों से आप शेयर कर दीजिए जिनको वाकई में फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर की ज़रूरत है, जिनको कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही है।